लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अब तक एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इसी का परिणाम रहा है कि कठिन परिस्थितियों में भी देश की प्रगति की रफ्तार थमी नहीं। उत्तराखंड विधानसभा कर्मचारियों की विशेष याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निरस्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के फैसले को सही ठहराया है। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने भी विधानसभा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विधानसभा सचिवालय के आदेश को सही ठहराया था। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये बैठक तकरीबन 3 घंटे चली। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर सांसद और तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी की ये सामान्य कार्य प्रणाली है, जहां पर पार्टी के लोग समय समय पर बैठते और समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए अल्प मध्य एवं दीर्घकालिक रोड मैप की सचिवालय में समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नई पर्यटन नीति का आम जनमानस तक व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा के अंतराल ग्राम सोनाकोट में पिछले एक महीने से पानी की किल्लत चली आ रही है। पानी न आने के कारण यहां के ग्रामीणों के साथ साथ मवेशियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे ग्रामीणों ने कई बार जेई को फोन किया, लेकिन जेई की ओर से समाधान की जगह सिर्फ आश्वासन ही मिला। मामले को लेकर जब K24 न्यूज ने जेई से बात की तो उन्होंने तत्काल समस्या का समाधान कराने की बात कही। अब देखना यह होगा कि इस बार भी जेई की ओर से समस्या का समाधान होता है कि या ये सिर्फ एक आश्वासन है। पहाड़ों की रानी मसूरी का 200वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर टाउन हॉल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शिरकत की। वहीं इतिहासकार, शिक्षकों और प्रोफेसरों ने इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया तो कई लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उनका कहना था कि इतिहास में प्रमाण है कि मसूरी की स्थापना 1827 में हुई थी। ऐसे में पालिका की ओर से 4 साल पहले ही स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो गलत है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हमारे Facebook पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। कि मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।